मेंटालिटी आप देखें कि हमने पिछले मैच के आगाज में देखा कि बादशाह ने चार प्लेयर्स गिरा डाले टीम सॉलिड ईस्पोर्ट्स के अकेले। सो बादशाह को पता नहीं खुद भी मालूम है कि नहीं कि उन्होंने किनको एलिमिनेट किया। एक टीम जो पीएमपीएल में कभी भी क्लैश होता है तो वो कहीं कभी भी लूज करते हुए नहीं नजर आती। लाइक नोवो उनका गढ़ है और हमने कभी भी स्टैलवर्ड को उधर फाइट लूज करते हुए नहीं देखा। तीन प्लेयर्स को बादशाह ने एलिमिनेट किया है। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के छुपे हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। बड़ा अस्सलाम वालेकुम मेरा खूबसूरत लोगों, तो आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देखा होगा, मे बी इसमें से ज़्यादा से लोगों ने मे बी मैच भी कल देखा होगा। तो भाई हमारा खूबसूरत लोगों, हमारा बात खान कॉल के सुनकर जिसने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो ये हमारा मतलब साल में तकरीबन एक दो दफ़ा होते हैं स्ट्रीमर शोडाउन से, ये जिसमें मतलब पाकिस्तान की जो खूबसूरत मतलब हैवी सा एक टूर्नामेंट होता है सही है। तो यह टूर्नामेंट कल से शुरू होता है, हमारे पहले मैचेस थे। तो इनमें मतलब मैंने तो जब मैं गेम शुरू करा तो मैंने बोला कि भाई ये टीम मतलब माशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे अच्छे टीम आए हुए थे, जिसमें ज़्यादातर हम कंटेंट क्रिएटर भी थी, जिसको मतलब हमको एक एक टीम दिया हुआ था सही है। ये तीन बंदे हमको मतलब बचाएंगे, हम लाइक समझ रहे हो ना यार। तो हम इधर साउथ एशिया की जो टॉप विनर टीम थी, जो पीएमपीएल की टॉप विनर टीम थी, तो वो यहाँ पर मतलब जो नोवा को अपना घर मानते हैं सही है। यहाँ पर इसको मतलब पैड में हारना, इसको हराना बहुत ही मुश्किल है सही है। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, पता नहीं किसकी दुआ लगी थी, लेकिन आज मैं जब गेम खेल रहा था मैंने यकीन करो कि अल्लाह मुझे इसमें कामयाब करे सही है। तो इनमें से मतलब ये तो गेम है इतना ख़ास नहीं कि मतलब तुमने इसको मारा मैंने उसको मारा, लेकिन इंसान को वैसे मतलब खुशी मिलता है कि मतलब मैंने एक अच्छा गेम खेला, कोई बंदा उसको मतलब अप्रिशिएट करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि इनमें से ऐसे दोस्त थे मेरे, ऐसे बंदे थे जिसने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, जिससे मुझे मेरा मैं बोलता हूँ कि बहुत खुश हुआ, मुझे एक मोटिवेशन मिली। तो इसी तरह आप लोग भी अगर मुझे मोटिवेशन देना चाहते हो और ताकि मैं अच्छे अच्छे गेम में इंटरेस्ट ले लूँ और भी ले लूँ और गेम प्ले, तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को एंड तक देखो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो इधर नो में साउथ एशिया के जो एसटी वाला मतलब एक बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं आपको बताऊँ हैवी सा प्लेयर है सही है, साउथ एशिया का हैवी जो पीएमपीएल में मतलब टॉप वगैरह की टीम है। तो वो भी यहाँ मतलब नोवा में उतर चुके थे, हम भी इधर उतर चुके थे सही है। तो एक दूसरे का सामना था, हमने बोला कोई टेंशन का बात नहीं, यकीन करो मैं ऐसे गेम खेल रहा था, मैं ये नहीं बोलता कि कोई टूर्नामेंट में कर, बस नॉर्मल से मैं या मरोगे या मरवाओगे सही है। तो इधर हम मतलब जो मतलब हमारा जो बंदा था उसने हमको बोला अदनान भाई कि भाई आ जाओ आ जाओ इधर, मतलब मैं पुश करूँ, मैं ऊपर से हूँ, अदनान ऊपर से था, बाकी टीयर्स और नेक्स्ट होते हैं ना वो मतलब लिफ्ट से थे। बादशाह आप हमारे पीछे आ सकते हो तो मतलब इसको इजीली हम ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फोर वी फोर वाले सीन है, फोर हम है फोर वो है। तो मैंने बोला कोई टेंशन का बात नहीं अदनान, तुम उधर से हमको कवर देना, मैं इधर से आता हूँ, कोई टेंशन का बात नहीं, मैं तुम लोगों को कवर करूँगा। लेकिन इधर मैंने क्या किया कि मतलब मुझे पता था कि वो लोग ऐसा ना हो कि मुझे मारे, तो मैंने स्मोक का बंदोबस्त किया, लेकिन इधर स्मोक मुझे मिला नहीं, तो मैंने बोला कि चलो आता हूँ। तो इधर नेक्स्ट भाई ने एक बंदे को किया डाउन, तो मेरे पास एक मोली था, मैंने बोला कि भाई जाने से पहले एक दिमाग का काम ले लो। वो बंदे उसने गलती क्या किया था कि वो इधर आ गए, मतलब इस वाले जो कि इसको मैं कहता हूँ नस्वार के कारखाना है, इसमें आ गए सही है। तो मैंने जल्दी से मोली निकाला सही है, मोली निकाला, मोली ऐसा कहा बिल्कुल परफेक्ट बोलती है पब्लिक, मोली के शुरू से ही मतलब पिका भाई हो गए नॉक, मैंने डायरेक्ट नेक निकाला, वो दूसरा बंदा हो गया नॉक, मैंने बोला ला हाउल वाला कुछ डायरेक्ट स्कूट को पुश करो पुश 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 पुश। तो जैसे हमने पुश किया सही, तो एक बंदे इसका रहता था जो कि हमारे टॉप विनर के दो किल मुझको मिल गए, बाकी एक किल जो है ना वो नेक्स्ट भाई को मिल गया, टीयर्स भाई को एक किल मिल गया सही है। तो इधर जो इसका हैवी सा प्लेयर है जिसका नाम है एक्शन सही है,
जो कि ऑलमोस्ट आप लोग जा रहे थे बहुत बड़ा नाम रहता है टीम स्टार पे डिस्कोर्ट इधर फाइट करते हैं लुक एट द नेड्स बादशाह की तरफ से भी मौली जाएगी नेड जाएगा इनका भी द नॉक होते एक पे प्रेस किया जाएगा लेकिन वापस से नॉक नॉक पे नॉक निकालते हैं लुक एट द गॉटन थिएटर इज परफॉर्मिंग सो गुड बादशाह लुक एट दिस दिस इज व्हाट वी वांटेड टू सी ये फिटनेस करना एक बहुत अमेजिंग चीज रहेगी लेकिन एक्शन जो कि अपनी टीम के कंटेंट क्रिएटर ही रहेंगे एक किल इधर स्क्योर करने के अपनी टीम के लिए कार्ड जरूरत है बैक इनपुट बताया जाएगा ज्यादा जा रहे हैं इनकी तरफ से लेकिन क्या स्पॉट हो पाएंगे ही इज आउट इन द ओपन ऑफ गार्ड पकड़ना इनको रहेगा एंड टीयर्स अभी भी तो मेरा खूबसूरत लगा फिर इधर क्या हुआ फिर मुझे पता था कि ये बंदा इधर छुपेगा कम से कम हमको एक दो बंदे निकालेंगे लेकिन इस बंदे ने वेट किया हम थोड़ा लेट हो गए फिर वो मतलब निकलने वाले थे लेकिन वो लेफ्ट गया बस कि ये मतलब मैं आपको बोलूँ कि इसकी बदकिस्मती थी फिर मैंने बोला कि जल्दी आओ मैंने मतलब सीट वगैरह चेंज किया ताकि वो मुझे गिराए लेकिन उधर से मेरा एक बंदा थी बस बेचारा गहरा हुआ था एक्शन भाई लेकिन आराम से भाई वो इधर चला गया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टीम की मिल गए थे जो कि बहुत मुझे मतलब मैं बोलो कि आप फ्रेन तुम्हारे ऊपर बाश भाई तुम लोग कंपेटिटिव प्लेयर और कंटेंट क्रिएटर की स्क्रीन भी देख रहे थे उनका गेम प्ले भी देख रहे थे सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग एंड लुक एट बादशाह फिर से उनकी तरफ से किल स्ट्रीक के ऊपर एक नाम लिखा नजर आता है बादशाह इज ऑन डोमिनेशन तीन किल्स उनकी तरफ से निकालेंगे और याद रहे ये दो किल्स जो है इससे पहले किस टीम के अगेंस्ट निकाले गए थे थर्ड भी उसी टीम के अगेंस्ट एक्शन को एलिमिनेट कर दिया गया लुक एट दिस जस्ट लुक अब हमारे साथ इधर क्या हुआ था जो कि मतलब मैं आपको बोलूँ कि इधर टीयर्स भाई का एक बड़ा सा मिस्टेक हमने उसको फिर गेम के बाद भी बोला कि भाई आपका मिस्टेक क्या था इधर देखो हमने मतलब एक बंदे को जो कि मतलब इधर लिफ्ट पे भी बंदे थे एफएम रेडियो भाई भी इधर था सब वो आई थिंक नॉक हो गया फिर मैंने इधर एक नॉक निकाला से फिर मैंने अब गलती क्या हो गया मतलब मैं चाहता था कि मैं इस क्या कहते हैं गाड़ी के अंदर बैठूं मैंने स्मोक किया लेकिन अभी टीयर्स को देखो अभी टीयर्स क्या कर रहे गाड़ी के अंदर एक स्मोक वगैरह निकालो 33 बंदे लाए भी और वो देखो जोन देखो तो इधर मतलब मैं गाड़ी में बैठ कर स्मोक में मतलब हील वगैरह किया सही है हील तो खैर नहीं किया मतलब एम हो कि बंदा आएगा इधर से मतलब पानी में दो तीन बंदे थे उधर से मतलब उधर और भी बंदे थे तो इधर हमने गलती किया कि जो मतलब मैंने गेम के बाद नोटिस किया मैंने भी गलती किया और टीयर्स भाई भी गलती किया था कि मतलब हमने स्मोक नहीं किया अगर स्मोक हमने किया तो यकीन करो हमारे पास फिर भी इधर ब्रिज मौजूद था जो कि हम आराम से अगर लेट थे तो कुछ ना कुछ बंदों को नीचे गिरा सकते थे लेकिन गलती क्या हुआ था देखो अभी टीएस भाई इधर नॉक हो गए नॉक होते ही देखो अगर मैंने अगर मैंने जल्दी स्मोक वगैरह निकाल लेता वो जाके इससे पहले मैंने कर लेता तो फिर बहुत अच्छा होगा अभी ये हमारा दूसरा गेम प्ले इसमें मतलब से नॉक का गेम प्ले इधर हमारा पूरा स्क्वाड अब से तबाह और बर्बाद हो गया हमको कोई मतलब मैं बोलो कि या हबीबी थोड़ा तो होल्ड किया करो इधर मैं अकेला बचा था और आपको पता था ये कोई बच्चों वाले टीम नहीं था ना मतलब बच्चों के प्लेयर थे सही है पूरा हैवी प्लेयर आए थे इधर ये पूरा कॉम्पिटेटिव वाले प्लेयर थे हर एक के साथ इधर हमारा गॉड फ्यूरी भाई जो थी ना वो हमारे ये शेक पे बंदा बॉयज मेरे पे मुझे देखो ये है हमारा मतलब जो कि हमारा वीडियो था जो कि किस तरह से ये मर गया हमारे हाथों से बाकी लव वाले सीन ये गेम में इसमें भाई कोई जाता है कोई आता है कोई टेंशन वाला बात नहीं मैं भी मतलब अभी इंशाल्लाह आज हमारे और कोई और गेम निकल आए तो उसके लिए भी वेट करना इधर हमारे प्यारा भैया नासर भाई क्योंकि हमारा दिल का जान है वो भी मतलब इसके साथ तकरीबन और बंदे इसका हमने इसका खिल मतलब खिल किए हुए थे मैंने डायरेक्ट इधर मोली निकला था कि मुझे पता था कि ये बंदे इधर लेकिन ये इधर से भाग गया हमने बोला कोई टेंशन का फिर हमने नेट निकाला नेट के साथ फिर भी वो नहीं था फिर हम इधर कर गए रश रश के साथ साथ आप लोग फिर देखो आ जाओ टी आर अदत आप लोग आगे लो जाओ सब 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 आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ सब आ गए भाई हमारा खतरनाक है तूने हमें पता कि तुम नीचे का तरफ से हो उतर गए जाना किधर है तुमने जाना किधर है तुमने तुमको हम छोड़ेगा नहीं इधर लिफ्ट है गया गया खत्म टाटा बाय बाय
फसाद है बहुत बुरी तरह से। The way Basha take a three players of STE, पर एक मेरे चैट में जितने भी बंदे होंगे वो उस टाइम Basha ओपी कर देंगे, मतलब जो उसका एक स्टार्ट था ना, हालांकि भी जो एक डर था मेरे ख्याल से लोबी के अंदर कि यार STE आ चुकी है और मेरे ख्याल से वो दो तीन टीमों को लेके जाएगी, बट Basha ओपी प्लेड वेल, मतलब कि वहाँ से जिस तरह ही वो आया भाई तीन तीन प्लेयर्स को उधर अच्छा रत्ती डाल दी उसने भाई। भाई तो नोवरे के इलाके में इनकी फाइव स्टार्ट हुई थी है और आई मीन इसका तीन बंदों को उठाना Basha ओपी, दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। लेकिन